हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है पपीते का हलवा बनाना। तो आइए, नवरात्रि के अवसर पर हम पपीते का हलवा बनाते हैं। कच्चे पपीते का हलवा बनाने के लिए ये हमने एक छोटा पपीता लिया है और एक बाउल हमने चीनी ली है और एक बाउल हमने मलाई ली है और ये हमने थोड़े से इलायची के दाने लिए हैं और ये थोड़ी सी हमने किशमिश ली हैं और ये एक छोटी कटोरी हमने बादाम लिए हैं। तो आइए बनाते हैं कच्चे पपीते से हलवा। सबसे पहले मैं पपीते को बीच में से कट कर लूंगी। और इसको मैं छील लेती हूँ। और इसी प्रकार से मैं अपना ये सारा पपीता छील के तैयार कर लूंगी और ये हमारा सारा पपीता अच्छे से छील कर तैयार हो चुका है। अब मैं पपीते को कद्दूकस कर लूंगी। ये देखो कितने अच्छे से कद्दूकस हो रहा है। इसी प्रकार से सारा पपीता मैं कद्दूकस कर लूंगी और ये हमारा सारा पपीता कद्दूकस हो चुका है। कितने अच्छे से कद्दूकस हुआ है। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें एक सर्विंग स्पून देसी घी डालूंगी। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये पपीता कद्दूकस किया हुआ डाल दूंगी और इसे थोड़ा सा मैं भून लूंगी। और इसे मैं एक मिनट के लिए ढक के स्लो गैस पे पकने दूंगी। तो आइए चेक करते हैं और ये हमारा अच्छे से भूनने लगा है। गैस को मैं हाई कर देती हूँ और ये एक कटोरी मलाई है, ये मलाई डाल देती हूँ मैं इसमें। आप चाहे इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ मलाई का प्रयोग कर रही हूँ। इस हलवे को आप नवरात्रि के वक्त में भी खा सकते हैं या किसी भी फास्ट में खा सकते हैं इसको बना के। और ये बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। मलाई हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और अब मैं इसमें 2 चम्मच के आसपास पानी डाल रही हूँ। इसी प्रकार से मैं 1 मिनट तक भूनूंगी। ये हमारा भून चुका है। अब मैं इसके अंदर ये 1 कटोरी चीनी डालूंगी। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने यहाँ 1 छोटी कटोरी का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैं इसमें ये इलायची के दाने डाल दूंगी, किशमिश भी डाल दूंगी मैं इसमें और बादाम भी डाल दूंगी। थोड़े से बादाम मैं बचा लेती हूँ। अब मैं इसमें 1 इंच के आसपास ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। आप चाहे इसमें ग्रीन कलर डाल सकते हैं, मैं यहाँ ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब मैं इसका ये चाशनी का पानी सूखने देती हूँ। ये हमारा
पपीते का हलवा इतने अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है और इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। हमने सिर्फ एक सर्विंग स्पून घी ही डाला था इसमें और वो भी छोड़ना शुरू कर दिया है और ये हमारा बनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। आप चाहे इसमें खोया भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें खोया नहीं डाला है। इसको मैं बंद कर देती हूँ और इसको एक बाउल के अंदर सर्व करूंगी। और ये मैंने थोड़ा सा खोया लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं खोए को थोड़े इसके ऊपर डाल दूंगी। इसे मैं इसमें बादाम डाल दूंगी, जो मैंने बादाम बचाए थे वो डाल दूंगी। और ये हमारा पपीते का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।